सिवान में सेना में भर्ती के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में लेट लतीफी का आरोप प्रशासन पर लगाया। जिसका 2 तारीख का कैरेक्टर डेट दिया गया उस दिन नहीं मिल रहा है, 7 तारीख को बोला जाए, 9 को जिसका भाग्य तो कहाँ से ला कर देगा? क्या बोला जा रहा है ऊपर में? ऊपर में लाठी चार्ज किया जा रहा है, बोल रहे कि 4 बजे मिलेगा। वही कुछ छात्रों ने पुलिस पर लाठी चार्ज करने का भी आरोप लगाया है। ये बात है, पुलिस लोग लाठी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे जो बच्चे हैं अभी तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला, जबकि 20 तारीख को हम लोग जमा किए, तो बोले 10 दिन के अंदर कार्य हो जाएगा। हंगामा कर रहे छात्रों के आरोप को ASP कार्तिकेय के शर्मा ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। शर्मा ने कहा कि जल्द ही सभी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी चूंकि कुछ दिन से अभी आर्मी और कैजा के रिक्रूटमेंट होने वाले हैं, इस कारण से काफ़ी लोगों ने अप्लीकेशन दिए हुए हैं, क्योंकि ऊपर में तो जगह नहीं है, इसलिए बारी बारी से लोगों को पढ़ाया जा रहा है और उनका अप्लीकेशन दिया जा रहा है। ऐसे जहां तक किसी तरह प्रवर्तक की बात है, ऐसी कोई बात तो आई नहीं है, उससे सिर्फ कहा गया है कि वो शांतिपूर्ण रहें और डिसिप्लिन में रहें और एक एक करके ऊपर आते। प्रशासन को छात्रों की भारी तादाद को देखते हुए पहले से ही पुख्ता इंतजाम करना चाहिए था, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बिना सेना की भर्ती में शामिल नहीं हुआ जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सिवान से निरंजन कुमार की रिपोर्ट।